सबुठ बड़ा खबर ये कांग्रेस पाई आउ एक सख्त झटका जो भली भाव में पंजाब कांग्रेस रे टणाउटरा चली गोटे पटे नवजोत सिंह सिद्धू जे कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी इशारे कार्य करुले अभोग आसुला कैप्टेन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पदर हटेबा नहीं लगातार षड्यंत्र चली अभोग आ इस्तफा पक्षर मुख्य कारण कहुच्छी जो भली भाव में आज एआईसीसी पक्षर कांग्रेस विधायक दल पंजाब कांग्रेस विधायक दल बैठक दिल्ली में डका जाता कैप्टेन अमरिंदर सिंह जे कि पंजाब मुख्यमंत्री तांको विश्वास को निला एने से सोनिया गांधी को फोन कर निजर असंतोष प्रकट कर चर्चा एवं से मुख्यमंत्री दायित्व अच्छा किंतु कांग्रेस विधायक दल बैठक डका आईसीसी पक्षर किंतु तांको विश्वास को निया एटा स्वाभिमान कथा अपमानजनक कथा ए कथा से सोनिया गांधी निकट में आपत्ति दर्शाई ए घटनाक्रम जदि आम नजर पकाइबे आज घटना नुहे हठात ये घटना सृष्टि होइनी विगत किछि दिन धरी पंजाब कांग्रेस रे सब किछि ठीक ठाक चली नथिला जेबे थारु नवजोत सिंह सिद्धू को सेठाकार प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष भाव में नियुक्त दिया जाइथिला सेबे थारु सिद्धू एवं अमरिंदर सिंह का भितरे तुतु मेमे चली आसीथिला सिद्धू कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष थाई सरकार को अमरिंदर सिंह को विभिन्न भाव में खोलाखोली भाव में समालोचना करुथुले एवं कैप्टेन अमरिंदर सिंह एवं तांका समर्थक माने मध्य सिद्धू विरुद्ध में मध्य बयानबाजी करुथुले तो पूरा ए घटना दांडरे पड़ी हाटरे गड़ुला जहाँकि आज अंतिम रूप नहीं जो कथा कहले कैप्टेन अमरिंदर सिंह सी जदियों पूरा खुलासा करना जे सी आग को कौन करे किंतु सीए एक कथा स्पष्ट कर जे ऑप्शन खोला अच्छी विकल्प खोला अच्छी सीए तर समर्थक मान सहित परामर्श करने आलोचना करने कौन होगा परवर्ती कार्यपंथा से संपर्क से घोषणा करे एक कैप्टेन अमरिंदर सिंह 80 विधायक कांग्रेस निर्वाचित होते 2017 अनुष्ठित होता पंजाब विधानसभा निर्वाचन अकाली दल को परास्त कर 10 वर्षर अकाली बीजेपी सरकार को क्षमताच्युत कर कैप्टेन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व में कांग्रेस पुणी फेरी पंजाब रे क्षमता को किंतु जेहेतु कैप्टेन अमरिंदर सिंह सेठी तांका निज दम रे सेठी पंजाब रे निर्वाचन जीति थिले सेठी गांधी परिवार रा दखल को सेठी बर्दाश्त करूनथिले एवं आरंभरु ही गांधी परिवार कैप्टेन अमरिंदर सिंह को ऊपर खप्पा थिले एवं सेठी नवजोत सिंह सिद्धू को एंट्री करा जाइथिला नवजोत सिंह सिद्धू को एंट्री करा जाइथिला जेबेठारु प्रदेश अध्यक्ष बना जाइथिला सेबेठारु ये कांग्रेस रा पंजाब रा कंदल चरम रूप नवा आरंभ करथिला गगन विश्वाल हम दिल्ली प्रतिनिधि ए संपर्क में अधिक अपडेट पाए हम सहित जोड़ी होती गगन जो भली भाव में वर्तमान पंजाब रा राजनीति सबुठ बड़ा खबर कैप्टेन अमरिंदर सिंह इस्तफा देती तो कौन खबर आसुची सीए इस्तफा देवा पर कांग्रेस भी छाड़ी पारंती एवं मुख्यमंत्री भाव से दाबी उपस्थापन कर पारंती पक्षर समर्थक अच्छा संख्याधिक विधायकों समर्थन रही देख शक्ति निश्चित भाव 2017 जिते बड़े पंजाब में कांग्रेस सरकार गठन करते पूर्व बीजेपी गठबंधन टका देखा निश्चित भाव कांग्रेस गोटे बड़ विजय कहला पंजाब दखल किंतु कौटा कौटी 2017 जिते कैप्टेन को से मुख्यमंत्री पद दि जाता जिते कांग्रेस जोग नहीं नवजीत सिंधु ही उभयों मध्य गोटे जनाउटा परिस्थिति सृष्टि होता कहीं नवजीत सिंधु कौटना कौटी संतुष्ट व्यक्त करू न बारंबार उभयों मध्य डकाटकी होता दिल्ली दरबार पर्यटन डका आसला आज सका जो कथा कैप्टेन अमरिंदर कहते जे बारंबार मत सरकार चलेगी ना एभली परिस्थितर सामना करी एभली जिते मत रखी और सीधा सड़क सोनिया गांधी को सी गोटे ट्रेनिंग देते जे एभली जब परिस्थित मो सामन आसुची निश्चित भाव मु पद छाड़ी ये प्रथम थर पर नुहे अनेक थर से एभली कहे परिस्थितर सामना कर जोटी अंतगंडल रोची निज दल भितर निश्चित भाव से कौट ना कौटी बेसी हो जाते जो निजक अनिश्चित अनुभव करते आज से ये स्टेप मुख्यमंत्री पद जो कहला पंजाब मुख्यमंत्री पद नहीं
ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଚଳମଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଗାତ ସିଂ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଅମ୍ବିକା ସୋନି ସୁନୀଲ ଧାକରଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଖବର ଆସୁଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ହରିଶ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା, କେବଳ ବୟାନବାଜିରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ କଥା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅମରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଏବଂ ପଛପଟୁ ଦେଖିବେ ନବଦୀପ ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତଣାଉଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଖାସ କରି ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନବଦୀପ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଅନେକ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ଗର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇପାରେ ପଞ୍ଜାବରେ।